हेलो। बिस्मिल्लाह जी सर रहमान रहीम। जी अस्सलाम सर वालेकुम। आवाज आ रही मेरी? जी सर वालेकुम अस्सलाम। जी सर आ रही कल है। हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन कंप्यूटर डेफिनेशन डेटा सही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और इसके अलावा प्रोसेस के बारे में हाउ टू प्रोसेस डेटा एंड हाउ इट गिव आउटपुट। तो तमाम चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। आज हम कुछ मजीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो फादर ऑफ जो कंप्यूटर है वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक, चार्ल्स बेबेज कॉल द ग्रैंड फादर ऑफ द कंप्यूटर क्योंकि इन्होंने फर्स्ट जो डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। जो सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने, कौन सा? एनालिटिकल इंजन के नाम से। ठीक है, एनालिटिकल इंजन के नाम से चार्ल्स बेबेज ने एक मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था जो सिर्फ क्या थे, जिसमें सिर्फ मेमोरी, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो चीज़ें हम इनपुट करते थे वही हमें नज़र आती थी, सेव वगैरह नहीं होती थी। अच्छा जनाब, अब आज हमने कहा था कि जो प्रोसेस बताया था इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, एक्सेप्ट डेटा मतलब इनपुट, प्रोसेस डेटा प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसर करता है, प्रोड्यूस्ड आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस के जरिए स्टोर रिजल्ट, जो आउटपुट आ गया आपका वो रिजल्ट आपका, ठीक है, उसको स्टोर करना, तो कहाँ जाएगा वो? स्टोरेज पे जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन से इनपुट आउटपुट क्लियर, यहाँ तो क्लियर है आप सबको? यस सर। जी सर आगे बढ़ते, हाफिज आपको क्लियर है? जी सर। कोई सवाल है कर लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं, सीखने के अमल में घबराती थी। जी सर, ये आपने बताया सर कल आपने इनपुट और आउटपुट जी के बारे में के अलाउड बोल आपने कल कल आपने कहा था सर इनपुट और आउटपुट के बारे में कि इनपुट जिसमें वो जो चीज हम लिखते हैं तो वो सामने नजर नहीं आता लेकिन नीचे अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, बाद में फिर हम थर्ड पर्सन पर हम उसको देखते हैं। हाँ, वो आउटपुट होता है, वो आउटपुट होता है। जी सर। और सर वो आपने जो बताया था सर एक बात और जो वो आपने सॉफ्टवेयर और यूजर वो जो बताया सर आपने, ये किसकी किस्में बताई थी, ये किस चीज की किस्में? कंप्यूटर की किस्में थी ये? क्या कौन सी? ये जो आपने कल आपने बताई थी सर आपने ना यूजर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो आपने बताया था, ये किसमें किसकी है? ये यही चीज है, उसको तो मैंने ब्रॉड मतलब उसको मैंने ब्रॉड करके बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम में तीन चीजें होती है, हार्डवेयर होती है। अच्छा अच्छा कंप्यूटर हार्डवेयर उसको हम टच करते हैं, एक कीबोर्ड माउस हो गया, मदर बोर्ड सीपीयू, ये क्या हार्ड, ये क्या हार्ड हार्ड ड्राइव है, ठीक है, हार्ड ड्राइव करो हार्डवेयर है, सॉरी हार्ड सही हार्डवेयर है, क्या है कंप्यूटर हार्डवेयर सर? कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम में ये चीजें होती है तीनों। हाँ, हार्डवेयर आपके सामने आपको नजर आ रही है और सॉफ्टवेयर जो आपको नजर आ रही है, जो सॉफ्टवेयर आप जो आप कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, ठीक है, जो कंप्यूटर का इंस्टॉल है, ठीक है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटर रन कर रहा है। ये विंडोज है, हम कहते हैं विंडोज, हम विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, तमाम चीजें क्या है? सॉफ्टवेयर है। जी। एम एस वर्ड क्या है? वो भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट क्या है? ये जूम क्या है? ये भी एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जूम। जी। ये मैंने वन टच से जूम। जी। हैं? ठीक है। मैं कह रहा हूँ जूम को हम टच कर सकते हैं क्या? नहीं सर। जूम सॉफ्टवेयर है ना एक? जी। तब देखते हैं सॉफ्टवेयर है जो, देखें एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है जो जो प्रोसेस करती है चीज़ों को,
जो हम इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस कौन करती है, वो सॉफ्टवेयर करती है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है सर, वो आपने फिर सर सर जो आपने कल फिर एक बात और बताई थी कि जो ना वो माउस और कीबोर्ड और स्पीकर, सर ये फिर किसकी किस में थी सर? ये इनपुट, ये वो है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की किस पे थी ना? किस में नहीं, इनपुट डिवाइस ही, डिवाइस ही है ये इनपुट डिवाइस। अच्छा हाँ, डिवाइस जो थी ना इनपुट, इसका नाम है इनपुट डिवाइस, कि मतलब जो जिसके जरिए हम चीजें क्या करते हैं, इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, मतलब ये। अच्छा, वो चीजें जिसके जरिए हम डिवाइसेस, जिसके जरिए हम चीजों और कोई चीज मटेरियल इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है, कोई से भी हो। तो ये तो सर ये माउस है, फिर कीबोर्ड है और जो है वो आई बताई थी मैं, पेन है, स्कैनर है, कैमरा है, कैमरा जो हम कैमरे में क्या करते हैं तस्वीर कैप्चर करते हैं, वो कंप्यूटर में आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देख, बेशुमार खुशियात है कंप्यूटर्स की, स्पीड हो गया, ठीक है, फास्ट स्पीड, जो आपने कहा था ना कि एक सेकंड में इसका रिजल्ट आता है, इतना फास्ट है कि आप कुछ अल्फाबेट ए प्रेस करेंगे सेकंडों में, बिल्कुल मिनी सेकंड में आपको वो चीज़ रिजल्ट सामने आएगी, जो काम आप घंटों में करते हैं वो आपको सेकंड में आपको वो कंप्यूटर करके देते हैं। तो ये आपका ये माइक किसको बोला हुआ, माइक बंद कर दीजिए। सर ये जो लिखा हुआ सर द क्या लिखा हुआ सर, ये इंग्लिश में द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, सर इसका क्या मतलब इस जुमले का सर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स मतलब खुसूसियात, खुसूसियात कंप्यूटर की खुसूसियात। जी सर, तो स्पीड है, स्पीड क्या है, खुसूसियात है कि इतने स्पीड कंप्यूटर की है, वो आप जो घंटों के जो काम है, आवर्स के काम है, वो आपको मिनटों में कंप्यूटर करके देती है, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी है कंप्यूटर के अंदर, क्या एक्यूरेसी है, ठीक है, जो आप जो भी वर्क आप परफॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर एक्यूरेसी है, परफेक्टनेस है, ठीक है। कि आप मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर में किसी कोई रिजल्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो वो क्या इसका उसकी एक्यूरेसी कंप्यूटर के नाते होती है। आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई रिजल्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सर ये एक्यूरेसी का क्या मतलब है उर्दू में? एक्यूरेट, एक्यूरेट ही है एक्यूरेसी। क्या मतलब सर एक्यूरेसी का उर्दू में? भाई वो काम जो परफेक्ट हो, ठीक है, जिसका कोई नुक्स ना हो। अच्छा, कंप्यूटर का हम कोई काम करते हैं तो क्या कंप्यूटर का क्या करके देती है हमें, वो काम परफेक्ट करके देती है, एक्यूरेट करके देती है, जो हम कह रहे हैं, हम अगर हम कहेंगे कंप्यूटर को 2+2 तो हमें 4 करके देगी, वो इतना हमें यकीन है पा कंप्यूटर पे, ठीक है, मतलब कंप्यूटर इतना एक्यूरेट है। अगर हम इसको जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं तो वही इंस्ट्रक्शन वो इस पर अमल करती है कंप्यूटर, ठीक है। मिसाल हमने अगर 5+10 किया, मिसाल के तौर पर कैलकुलेट किया, तो वो 5+10 क्या होगा, 15 ही आपको शो करेगा, ठीक है, समझ गए? जी सर, ये एक्यूरेसी है। और सर जो आपने एग्जांपल दिए जो हम रिजल्ट बनाते हैं, हाँ रिजल्ट वगैरह बनाते हैं हम, ठीक है, उसमें क्या कैलकुलेशन होती है, वो तमाम चीज़ें क्या एक्यूरेट होती है। मिसाल दी ना आपको रिजल्ट बनाने की, ये
Versatility is the one of most wonderful things about computer. Multiprocessing feature of computer makes it quite versatile in nature. एक वक्त पे हम काफी काम कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए, ठीक है। मिसाल के तौर अभी एक वक्त में मैंने Zoom भी चलाया हुआ है, ओपन किया हुआ है, WhatsApp भी ओपन किया हुआ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी ओपन किए हुए हैं, ठीक है, फाइल भी शेयर हो रही है आपको। तो मल्टीपल प्रोसेसिंग फीचर्स अवेलेबल है कंप्यूटर के अंदर, ये इसका क्या है सर? ये सर ये आप एक्यूरेसी की बात आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? एक्यूरेसी पढ़ाने के एक्यूरेसी पढ़ाने के बाद अभी आप कौन से पढ़ा रहे हैं सर? यहाँ जो अभी आपने बताया ये वर, ये क्या लिखा हो सर? इसका मतलब है कि आप जो कंप्यूटर है वो उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसिंग फीचर्स है, मतलब एक वक्त में हम काफी चीजें इसमें कर सकते हैं, काफी फंक्शन। सर ये एक सर ये एक्यूरेसी का मतलब है? ये नहीं नहीं, ये वर्सेटिलिटी का मतलब है। अच्छा वर्सेटिलिटी, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। अब आ रिलायबिलिटी आ रहे हैं, ठीक है। सर बाकी सबको समझ आ रही है? एक सर ये वर्सेटिलिटी का मतलब आपने क्या बताया? एक वक्त में सर काफी चीजें, काफी जो एप्लीकेशन इस पे काम करते हैं कंप्यूटर। वर्सेटाइलिटी मतलब एक से ज्यादा खसूसियात एक के अंदर होना, ये किसी इंसान के अंदर भी हो सकता है, एक से ज्यादा खसूसियत का होना। वर्सेटाइलिटी का मतलब ये है मल्टी कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम है, यानी मल्टीपल बहुत ज्यादा सिस्टम है, बहुत से काम ले सकते हैं हम। सही, क्या नाम है आपका? किरण मुश्ताक। सही, गुड। पहले नाम बताएगा फिर जवाब देना, ताकि मुझे पता चले कौन कौन जवाब दे रहा है। ठीक है, आप क्लियर है? रिलायबिलिटी, कंप्यूटर प्रोवाइड वेरी हाई स्पीड अकम्पेंड बाय एन इक्वलिटी high level of reliability, thus computers never make mistakes on their own record. ठीक है, reliable है, ठीक है, कोई mistake नहीं कर, until ना unless अगर हम कोई mistake ना करें इसमें input करने में, ठीक है, तो computer कभी भी इसमें खुद से कोई mistake नहीं करता, ठीक है। जो हम type करेंगे, जो हम इसको instruction देंगे, उसी पर वो अमल करेगा, और जो अमल करता है वो प्रोसेस करता है डेटा, वो रिलायबल होता है। पावर ऑफ रिमेंबरिंग स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस से अगर हम कोई चीज, मिसाल कोई चीज हमने सेव की है कंप्यूटर के अंदर, वो हम भूल गए कहाँ रखी है, वो हम सर्च कर सकते हैं, ये फीचर भी इसमें अवेलेबल है। तो वो स्टोरेज की जहाँ वो सेफ है, अगर कुछ चीज़ वो डॉक्यूमेंट अगर कहीं सेफ है तो वो हमें, हम सर्च करेंगे तो वो चीज़ हमें बआसानी मिल जाएगी, ये इसका एक फीचर है। क्या सर पावर ऑफ रिमेनिंग रिमेंबरिंग? यानी कोई चीज़ हम रखते हैं और फिर हम भूल जाए तो फिर सर इसका मतलब? ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना सर, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, यानी जो चीज हम रखे हैं याद नहीं कर ना, मतलब जो चीज हम कहीं कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी। मतलब अगर हमने चीज सेव की है तो हमें मिल नहीं रही, तो हम क्या करते हैं इसको सर्च करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो सर्च करते हैं, हमको आसानी मिल जाती है। तो इसमें कोई कंप्यूटर में ऐसी चीज नहीं कि हम चीज अगर कहीं भूल जाए तो हमें सर्च ना मिले, बल्कि सर्च करने से मिल जाती है, ये फीचर इसके अंदर मौजूद है। नंबर ऑफ नो आईक्यू, अ कंप्यूटर इज मैजिकल डिवाइस, इट कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन, द डिफरेंस इज दैट इट
performs these tasks with unthinkable speed and accuracy. एक इंटेलिजेंस पावर इसमें नहीं है, ठीक है, जीरो आई की लेवल है इसका। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में जो चीज़ हम प्रोग्राम सेव करते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसी प्रोग्राम के जरिए वो चीज़ रन करता है। ठीक है, जब तक इसको हम कोई इंस्ट्रक्शन ना दें, कोई नई सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल ना करें, तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, जो चीज़ को बताई गई वही करेगा, बस मशीन है ना। कॉमन डेटा यूज सर क्या मतलब है सर? ये आपने नंबर आईक्यू के क्या बताया सर आपने? क्या ये आपने बताया सर नंबर आईक्यू, यानी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम हम डाउनलोड करें तो वो उसी के मुताबिक काम करेगा। हाँ। और फिर क्या बताया सर इसके आगे आपने कुछ? बेटा जो चीज़ हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, उसी के मुताबिक वो रन करता है, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल जीरो है। मैं सोचता नहीं कि आईक्यू लेवल क्या होता है। जीरो आईक्यू लेवल क्या होता है सर? इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन कहते हैं आईक्यू। आपके इंटेलेक्चुअल माइंड इंटेलेक्चुअल यानी सतह जो होती है, जहानत का फॉर्म, इसको जहानत का वो मतलब जहानत का कहते हैं सर, मतलब इसका जो जहानत का फार्मूला ज्यादा है या कम है सर? कम है, जीरो है ना, जहानत थोड़ी कंप्यूटर के अंदर। जो कंप्यूटर में जो जो इंस्टॉल है वही चीज वो करेगी, खुद से सोचती नहीं कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है, स्टोरेज भी है सर। मैं आपसे सर एक सवाल, सर मैं आपको एक जवाब, असल में सर मैं आपसे बार बार इस वजह से पूछ रहा हूँ सर, मेरी वजह ये है कि सर मैंने शुरू से मदरसे में ही पढ़ा है, और हमारे मदरसे में जो ना सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा तो अरबी चलती थी और उर्दू, और इंग्लिश तो हमने वही पढ़ा जो नॉर्मल जो पढ़ते हैं बस, इसके अलावा हमने सर इंग्लिश नहीं पढ़ी है, बस वो लैंग्वेज की थोड़ी बहुत, फिर वो भी वक्त नहीं मिला, इस वजह से सर मुझे नहीं समझ में आता। नहीं आप सुने, आपकी जो है ना क्या कहते हैं मसला ये है ना कि ये तो आप मतलब मदरसे पढ़ के आए, ठीक है, तो आपको इस लेवल पर आना पड़ेगा, क्योंकि अब क्योंकि आगे टीचिंग लाइन में ना अगर इस तरह आप मतलब कि इंग्लिश अगर बहुत ज़्यादा आपकी वो ना कमज़ोर हो, फिर मुश्किल होगा आगे आपके लिए आगे। नहीं सर इंग्लिश तो मतलब मैं पढ़ सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पढ़ा ना पहले कभी इतना, फिर इंग्लिश से इतना वाकफियत नहीं रही मेरी। आप बहुत कमज़ोर है इंग्लिश, अभी आपने मुझे पूछा है क्रेडिटसी का मतलब क्या है, हालांकि ये बहुत आसान इंग्लिश है। जी सर मैं क्योंकि सर मेरी वाकफियत नहीं रही है ना इंग्लिश के साथ, इतनी ज्यादा नहीं रही है, मैं इतना नहीं पढ़ा हूं इंग्लिश में सर। अभी आप इसमें आगे इंडस्ट्री लाइफ में आ गए ना, तो अभी आहिस्ता से इंशाल्लाह हो जाएगा, फिकर नहीं करें। इस वजह सर मैं इस वजह से आपसे बार बार पूछ रहा हूं, शायद कोई आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाए कि ये हर साल पूछ रहा है, क्योंकि सर मुझे फिर समझना होता है, काफी वक्त लगाना पड़ता है मुझे समझने में, जब इसलिए मैं आपसे हर लफ्ज को क्लियर कर लेता हूँ मैं। सही, अच्छी बात है, मैं फिर भी आप मतलब कि इसको ना थोड़ा इंप्रूव करें घर पे बैठ के ना, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जो है ना यूट्यूब से आप उसको देखते रहें, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा आपको। ठीक है, इंग्लिश रीडिंग करें उससे फ़र्क पड़ेगा, डिक्शनरी यूज़ करें, ठीक है, देखते हैं सर। ये आपको घर पे करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि ये इसमें बहुत आसान इंग्लिश लिखी हुई, कोई मुश्किल इंग्लिश है ही नहीं इसमें। हाँ बिल्कुल सर है, लेकिन मैं आपसे ये करूँ सर, एक मतलब लोग मोबाइल यूज करते हैं घर में, और वो यूज करते करते उनको थोड़ी सा वो आदत सा उनको हो जाता है सर। हम तो सर सुबह फजर के बाद जा देते हैं मदरसे में, और रात को जब घर में आता तो 3:30 ढाई दो के करीब हम घर में आ देते हैं सर, तो हमें सर वक्त कहाँ मिलता था सर। वो मदरसे में मोबाइल चलाना बहुत अलाउ नहीं था, बहुत सख्ती थी, मोबाइल मदरसे में आप रख ही नहीं सकते थे, इस वजह से सर नहीं हुई वाकफियत सर। मैं अभी समझो कि मैं पिछले साल ही मैं आया हूँ सर, मैं क्योंकि फिर मेरा मैं आप बता रहा हूँ सर, हमारे मदरसे में मोबाइल अलाउ बिल्कुल ही नहीं था, किसी को भी मोबाइल अलाउ नहीं है, अगर फोन करना तो घर के नंबर से। समझ नहीं आ रहा ना आप, अगर बहुत ज्यादा आपको समझ नहीं आ रहा तो आप आखिर में पूछ सकते हैं, ठीक है जी सर, आखिर में पूछ सकते हैं आप, आखिर जी सर, अभी बीच में नहीं पूछूं फिर। हाँ बीच में नहीं पूछूं, पूछे बीच में साथ से पूछे। अच्छा ठीक है, मसला नहीं, बाकी सबको समझ आ रहा है? बाकी सब जो आवाम है कहाँ है? बाकी आवाम जी जी सर समझ आ रहा है, जी जी सर समझ आ रहा है।
क्लास में एक्टिव रहना है बेटा, सोना नहीं है, चला के बिल्कुल। सर आपकी और हाफिज की बात हो रही होती है इसलिए हम खामोश रहते हैं। क्या होता है? खामोश रहते हैं, आपकी और हाफिज की हवा बात से चल रही होती है, डिस्टर्ब हो जाता है तो बात आपका भूल जाता है। डिस्टर्ब होते हैं आप लोग? हम डिस्टर्ब नहीं होते सर, फिर क्वेश्चन वो क्लियर कर रहे होते सर, आप और हाफिज बात करते हैं तो हम खामोशी से सुनते हैं। नहीं सर बिल्कुल, ये जब इतनी लंबी डिस्कशन हुई है कि मुझे नहीं आता मुझे नहीं आता, तो ये डिस्कशन को बाद में करनी चाहिए थी ना, बिल्कुल हुए हैं क्यों नहीं हुए हैं? क्या? हेलो, लाउड लाउड बोले, लाउड। सर ये जो इन्होंने अभी डिस्कशन किया ना आपके साथ, इंग्लिश नहीं आती, नॉर्मल इंग्लिश पढ़ी है सब? सर तकरीबन सब बच्चों ने यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश ही पढ़ी है, ये थोड़ी सी रीडिंग की कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। इन्होंने सवाल तो करते हैं लेकिन डिस्कशन जो अभी इन्होंने इतनी लंबी डिस्कशन की ना, ये इनको नहीं करनी चाहिए थी। मदरसे से ये पढ़ के आए हैं लेकिन इनको दूसरों के टाइम पे भी लिहाज करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। सही है, ठीक है, ये बात दी है, चल आगे बढ़ते हैं। हाफिज कॉमन डेटा यूज ये पढ़ने में, हाफिज देखें आप सर जो आप पीछे पढ़ा रहे थे, सर जो आप पीछे पढ़ा रहे थे ना सर, आईक्यू लेवल के बाद के दो पॉइंट्स रह गए थे, करैक्टरिस्टिक्स के दो पॉइंट्स रह गए सर। हाँ वो रहेगा, वो मैं जानबूझ के, दो पॉइंट्स रह गए थे सर जी, मैं रखा जानबूझ के ताकि आप खुद पढ़े। बोलो। अच्छा सर उस स्लाइड को एक दफा ओपन कीजिएगा सर। अच्छा दीज कंप्यूटर टाइप्स आर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं। अच्छा देखें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट आपको मैं आपके सामने आएंगे, ठीक है। देखें जो क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर है ना वो तीन तरह की है, बाय स्टोरेज, बाय साइज, बाय पर्पस, ठीक है। इन तीन कैटेगरी से हमने क्या किया है कंप्यूटर क्लासिफाई किया है, ठीक है। मतलब पावर एंड साइज के लिहाज से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट है, पर्पस के हवाले से डिफरेंट, कंप्यूटर के टाइप से स्टोरेज के हवाले से उसकी टाइप्स अलग है, ठीक है। ये टाइप्स जो है ये डिफरेंट है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है सर? ये किस हिसाब से है? ये किस हिसाब से है टाइप? ये वर्किंग के हिसाब से। वर्किंग? हां। एनालॉग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूजेस व्हाट इज नोन एज एनालॉग सिग्नल्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कंटीन्यूअस सेट ऑफ वेरिंग वोल्टेज एंड are used in scientific research centers, hospital, flight centers, ठीक है, hospital वगैरह में use होता है analog computer।
with analog types of computer, no value of represented by physical measurable qualities, voltage, ठीक है, high voltage होता है इसमें. Analog computer types program arithmetic logic, logical operation by measuring physical changes, temperature and pressure. ठीक है, ये computer जो है वो high voltage होता है और arithmetic and logical operation पे काम करती है. डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किस पे होती है, वो बाइनरी डिजिटल. डिजिटल कंप्यूटर जो है वो 0 एंड 1 पे काम करती है, इन दो नंबर पे. सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी, फर्स्ट वाली हेडिंग सही समझ नहीं आई. एक्सक्यूज मी सर, सर जी जी बोले. सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आपने अभी एनालॉगस को डिस्क्राइब किया है, एनालॉगस का इटसेल्फ मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या? एनालॉगस की मीनिंग अगर हम किसी को बोलें कि एनालॉगस क्या है, क्या ट्रम्स है, ट्रम्स नाम है, मीनिंग थोड़ी ट्रम्स की कोई ना कोई मीनिंग तो होगी. सर सर्च करो ना, डिक्शनरी नहीं आपके पास? सर मुझे इतना समझ में आया है कि जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रोग्राम होंगे, बस इतना ही मुझे समझ में आया कि उसे एनालॉगस कंप्यूटर बोले. ये मतलब ये कंप्यूटर की टाइप से बेटा, एक ये टर्म है, ये टाइप्स नाम दिया गया पुराने जमाने में. सर डिजिटल से तो पता चल रहा है कि डिजिटल क्या चीज है, बट एनालॉगस और हाइब्रिड समझ में नहीं आ रहा. एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो हॉस्पिटल और फ्लैट सेंटर पे काम आता है, जो टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करता है, मेजर करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करता है. ठीक है, सही सही सर, ठीक है ठीक. ये कंप्यूटर है, देखिए बस यही काम करता है और काम नहीं करता. आप आपके जेन पता क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब ये अभी जिस दौर में अभी कंप्यूटर वही कंप्यूटर है बेटा. ये कंप्यूटर नहीं है, ये अभी का डिजिटल कंप्यूटर है. इससे पुराने जो कंप्यूटर थे वो कुछ और थे, उसके अलग अलग नाम है. शुरू में कंप्यूटर किससे बनाया, एबेकस से बनाया, एबेकस कैलकुलेशन के लिए बनाया था, उस सेंस को लेकर कंप्यूटर बनाया. ठीक है, एनालिटिकल इंजन क्या था, वो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था. ठीक है, तो ये कंप्यूटर के नेम से टाइप से. सर इससे पहले कंप्यूटर में एक कोड लैंग्वेज भी यूज होती थी. हाँ वो इसी की बात हो रही है, डिफरेंट लैंग्वेज यूज होती थी. अब आपको अभी आपने बेसिक पढ़ना है, इसमें डीप में नहीं जाए. ये चीजें आपके कोर्स में शामिल नहीं, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीजें सिर्फ किसके लिए, ताकि बेसिक आपको पता चल जाए. डिजिटल कंप्यूटर क्या होती है, ठीक है, व्हेन दिस कंप्यूटर ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन आर ऑन इलेक्ट्रिकल इनपुट दैट कैन अटेंड टू इनपुट्स स्टेट्स ऑन वन और स्टेट ऑफ जीरो. ठीक है, बाइनरी डिजिट्स पे काम करती है डिजिटल कंप्यूटर, जीरो एंड वन पे. ठीक है, देखिए इसमें 01 लिखा हुआ ना, वो पता क्या है, ये जो लैंग्वेज समझ जाए बाइनरी डिजिट्स है, जो हम अगर हम जो डेटा टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो इन नंबर्स के थ्रू क्या होती है, इन लैंग्वेज के थ्रू क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है इसमें. ठीक है, प्रोग्राम लैंग्वेज में 0 एंड 1 ये दो इसकी जो वो है स्टेटस होती है डिजिटल कंप्यूटर. ठीक है, 0 और 1 ये नंबर्स होते हैं. क्लियर है, ये जो आप आजकल कंप्यूटर देख रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है, उसमें जो वर्किंग हो रही है वो इसी 01 के बिहाफ पे होती है, बाइनरी डिजिट्स.
It's a hybrid type of computer. ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा यूनिक है, ये एनालॉग और डिजिटल कंबाइन है हाइब्रिड. ठीक है, एनालॉग और डिजिटल का जो कंबाइन कम्बिनेशन है फीचर्स से वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है, जिसमें एनालॉग की एनालॉग कंप्यूटर के फीचर्स भी हो और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स भी हो वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं. ठीक है, यहाँ तो क्लियर है. हेलो जी. जी सर, समझ आया यहाँ तक? यस सर. सर डिजिटल कंप्यूटर का एक बार बता दें दोबारा. छोड़ दे, आप छोड़ दे, ये आपको वैसे कोर्स शामिल नहीं है. ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसको इस इन टाइप्स को पढ़ने के लिए आपके प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, इसे समझ नहीं आ रहा है. आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, जो प्रीवियस नॉलेज है ना वो होना चाहिए जी, क्योंकि जो पीछे आप पढ़ के आए जो छोटे क्लासों में, ठीक है, वो आपके होना लाजमी है. इसके लिए भी हमने यहाँ से भी जो लिटरेसी है कंप्यूटर लिटरेसी उस हद तक हमने को करना है ताकि हमारा कोर्स कवर हो जाए. ठीक है, ये जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको एज ए इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, अगर कहीं आपको कंप्यूटर पढ़ाने का मौका मिले आप उसको पढ़ा सकें, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन साइज. ठीक है, ये क्या है, ये कौन से टाइप्स है जो साइज के हिसाब से. देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर व्हेन वी क्लासिफाई देम बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी. द फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर. ठीक है, ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने पहले भी. बोले बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? नहीं सर, हमने तो नहीं सुना. ये नाम सुने ना आपने पहले? हेलो जी सर, सर हमने ऐसे नाम नहीं सुने. सर हमने नाम सुने लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं. आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? फौरन जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? सर क्लास में नहीं है मतलब आप? सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं ना इसलिए. सर क्या कंफ्यूज हो रहे हैं?